हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कहर के बीच बीमार दादा की ख्वाहिश की पूरी। मंदिर में पोते ने सादगी से की शादी। दुल्हा दुल्हन के अलावा कोई परिजन नहीं हुआ शामिल। बीमार दादा की अपने पोत्र वधू देखने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शहर के एक युवक ने लॉकडाउन व कोरोना के कहर के बीच शनिवार को सादगी पूर्ण तरीके से विवाह कर लिया। पूर्व में कोरोना के पूर्व में मेरा शादी है जो 25 अप्रैल को तय हुई थी, मगर कोरोना महामारी को लेकर घर में डिस्कशन चल रहा था कि इसको स्थगित कर देते हैं। मगर मेरे दादा मोहन सिंह जी धनाडिया, उनकी वो क्योंकि बुजुर्ग है, उनकी तबीयत काफ़ी समय से सुस्त चल रही है, तो उनकी इच्छा थी कि बेटा एक तो कहना मेरा मान ले। तो मैंने कहा दादा का कहना तो मानना ही मानना पड़ेगा, और साथ ही यह बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अपने को पीएम केयर फंड में भी पैसे जमा करने चाहिए और सीएम केयर फंड में भी जमा करने चाहिए। तो मैंने 4,01,000 का चेक तो पीएम केयर फंड में दिया है और 1,01,000 का सीएम राजस्थान सीएम कैविट फंड में दिया। शास्त्री नगर निवासी इस युवक का मलकमान कॉलोनी में रहने वाली युवती के साथ पहले से रिश्ता तय हो रखा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल शादी एक बार स्थगित कर दी गई। इस शादी की खासियत ये रही कि इसमें दूल्हा दुल्हन का एक भी परिजन शामिल नहीं हुआ। शास्त्री नगर निवासी वरुण धानिया का रिश्ता मिल्कमैन कॉलोनी की मीनाक्षी के साथ घर वालों ने तय कर रखा था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोनों की शादी आज होनी तय थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण परिजनों ने फिलहाल शादी स्थगित कर दी। इस बीच वरुण के दादा मोहनलाल की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई। बीमार मोहनलाल ने अपनी पोत्र वधू को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। इस पर परिजनों ने मीनाक्षी के परिजनों से बात कर आज ही शादी करने का फैसला लिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की पालना में दोनों परिवार के सदस्यों ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया। इसके बाद शास्त्री नगर स्थित आर्य समाज के दुर्गा मंदिर में पंडित महेंद्र व्यास ने पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ दोनों का विवाह सम्पन्न कराया। शादी में वर वधु पक्ष का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। दूल्हे ने बताया कि नियम की पालना करते हुए परिवार के सदस्य घर पर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।